हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट जेलब्रेक डिटेक्शन बाईपास ट्वीक। आपने देखा होगा, जेलब्रेक होने के बाद कुछ ऐसी बैंकिंग ऐप्स हैं जो चल नहीं पाती और उन पे लिखा जाता है आपका फ़ोन जेलब्रेक है, तो इसलिए ये ऑपरेट नहीं हो पाएगी। ये देखिए, जैसे गूगल पे है, ये ओपन करूँगा, ये ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब HDFC की बैंकिंग ऐप है, ये ओपन नहीं होगी, ये स्क्वेयर ऐसे ही घूमता रहेगा, ये जेलब्रेक के कारण ही है। उसके बाद ये बजाज की ऐप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा आ गया योर फोन जेलब्रोकन। HDFC की पेज ऐप है, यहाँ पर भी लिखा आ गया जेलब्रेक डिटेक्टेड। कुछ ऐसी बैंकिंग ऐप्स ही हैं गाइस, सारी नहीं। अब ये देखिए, ये चल रही है कैनरा बैंक की ऐप, एक्सिस बैंक को ओपन कर लें, ये भी चल रही है। पंजाब नेशनल बैंक को ओपन कर लें, ये भी चल रही है। अब इसमें से कुछ ऐसी ऐप हैं जो नहीं ऑपरेट हो पाती, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा इनको फिक्स कैसे करेंगे और ये चलेंगी कैसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सीडिया में गए, यहाँ पर आपने एक सोर्स डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है myclassic.net। ये देखिए, अब जब आप इसमें जाएंगे तो आपने ये ट्वीक डाउनलोड कर लेना है ए बाईपास के नाम से। ट्वीक का वर्जन है 1.5.2, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपका फ़ोन एक बार रीबूट होगा। रीबूट होने के बाद आपने फिर से ये अनकवर के आइकन पे जाके, जैसे आप जेलब्रेक करते हैं, आपने जेलब्रेक कर लेनी है, या कंप्यूटर की हेल्प से दोबारा एक बार जेलब्रेक कर लेनी है। अब ये जो आपकी ऐप्स जो नहीं चल पा रही थी, अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे चलेंगी। ये देखिए, अब उसके बाद आपने इनको डिलीट कर देना है। ये देखिए, जो जो आपकी ऐप्स नहीं चल पा रही थी उनको आपने डिलीट कर देना है। ये देखिए, अब उसके बाद आप ऐप स्टोर में गए, ऐप स्टोर में जाने के बाद जो आपने बैंकिंग की ऐप्स डिलीट की थी वो आपने फिर से दोबारा डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ये देखिए, गूगल पे हो गया, HDFC मोबाइल बैंकिंग होगी, उसके बाद बजाज फाइनेंस हो गया, उसके बाद पेज ऐप हो गया। अब ये देखिए, डाउनलोडिंग हो रही है इनकी, हम बाहर आ गए। अब ये जब तक पूरी डाउनलोडिंग नहीं होती तब तक हमने ओपन नहीं करनी। अब ये देखिए, ये चारों की चारों डाउनलोडिंग हो चुकी हैं। अब मैं बता देता हूं अब आपने क्या करना है। अब आपने सेटिंग में जाना है, नीचे ट्वीक सेक्शन में आ गए, ये ए बाईपास के नाम से, ये देखो ये ट्वीक आ गया, आपने इस पर क्लिक किया, अब नीचे ले आए। अब जो जो आपकी बैंकिंग ऐप्स नहीं चल रही थी आपने उन पे ये क्लिक कर देना है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, गूगल पे की ऐप नहीं मेरी चल रही थी, ये देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, ग्रीन आइकन आ गया यहाँ पे। अब ऐसी मेरी सेकंड ऐप HDFC की थी, मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया, और थी मेरी पेज ऐप की, मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया। उसके बाद ये थी बजाज फाइनेंस, मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया। ये चारों की चारों मैंने बैंकिंग ऐप्स पे क्लिक कर दिया। अब आपने क्या करना है, बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद
ये रीस्प्रिंग का आपने बटन अप्लाई कर देना है। ये रीस्प्रिंग कैसे आता है आप मेरी पहले की वीडियोस देख लेना। आपको एक ट्वीक डाउनलोड करना पड़ेगा सीसी मॉड्यूल्स के नाम से। सीसी मॉड्यूल्स जब आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। सीडिया में गए, ये रहा, सर्च किया सीसी मॉड्यूल्स, ये देखिए। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो कंट्रोल सेंटर में जाके आप रीस्प्रिंग का ये ऑप्शन यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में ला सकते हैं। अब जैसा कि मैंने रीस्प्रिंग कर दिया था, अब जो जो हमारी बैंकिंग ऐप्स नहीं चल रही थी, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे चलेंगी। ये देखिए, मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। रीस्प्रिंग हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको गूगल पे पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए गूगल पे चलने लगा हमारा। जैसे ही मैं कुछ भी इसमें एंटर करूंगा, ये देखिए। अब उसके बाद HDFC की बैंकिंग ऐप, ये देखिए ये भी चलने लग गई हमारी। अब बजाज का, ये देखिए ये भी चलने लगा हमारा। अब उसके बाद पेज़ैप, ये देखिए ये भी चलने लगा है। अब इस ट्वीक की हेल्प से आपकी जो भी बैंकिंग ऐप नहीं चल रही, आपने ऐसी सेटिंग में जाके ए बाईपास में जाना है और जो जो आपकी ऐप नहीं चल रही आपने उस पर क्लिक कर देना है और रीस्प्रिंग का बटन दबा देना है और वो ऐप वर्किंग करने लग जाएंगी। तो आई होप गाइस आज का आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।